हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है शरद श्रीवास्तव और आप देख रहे हो टेक टू रिव्यू चैनल। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टूल सेट के बारे में बात करेंगे जो आपके डे टू डे लाइफ में आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। उसके साथ साथ गाइस, अगर आप एक ट्रैवलर हो, आप बाइक से या फिर कार से कहीं भी जाते हो, दूर दूर लोकेशन पर जाते हो और आपके पास कोई भी टूल सेट नहीं है जिससे अगर आपकी बाइक या कार में कोई प्रॉब्लम हो सके तो आप थोड़ा मोड़ा काम कर सको, तो उसके लिए टूल सेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए अब मैं सबसे पहले इसकी पैकेजिंग ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसे अमेज़ॉन से मंगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अमेज़ॉन बेसिक्स के तरफ से है और उसके साथ साथ ये यहाँ पे आपको इसका नाम देख, तो ये है हमारा अमेज़ॉन बेसिक्स का टूल सेट। और गाइस, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसका बॉक्स इतना छोटा और इतने अच्छी क्वालिटी का है और ये भारी भी है थोड़ा सा। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा ओरिजिनल टूल सेट जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसमें गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको बिट्स मिल जाती हैं, फिर यहाँ पे आपको हेक्सागन वाले ये सब भी मिल जाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ही कुछ मिल जाता है। और यहाँ पे और जानकारी के लिए आप इस अगर फोम को हटाइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कितने एमएम के यहाँ पे वो नट्स मिल जाते हैं जिसको खोल सकते हो आप। मैं सही तरीके से जानता नहीं उसको क्या बोलते हैं, तो अगर मैं गलत बोलूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये जितने भी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं ये सभी आपको मिलते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि इसमें एक एक्सटेंशन भी दिया रहता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं सही मायने में बोलूँ गाइस, तो ये जो इसका हैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा हाथ इतना बड़ा है और ये इतना छोटा है। पर अगर मैं कोई चीज़ से इसको ओपन करता हूँ या फिर किसी कोई चीज़ मैं ओपन करता हूँ तो ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज़ ये अच्छी तरीके से मेरे हाथों में आ जाता है। और प्लस इसकी बिट क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि आप इससे कैसे यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इसको डायरेक्टली लोगे और यहाँ पे इसको फिट करने का ट्राई करोगे तो ये नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो साइड पे आपको और एक चीज़ यहाँ पे दी हुई होगी कुछ इस तरीके की। आपको इसको यहाँ पे फिट करना है और ये यहाँ पे मैगनेट, अंदर मैगनेट है तो ये अटैच हो गया। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, तो ये देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको ये वाला जो हिस्सा है इसको ऐसे घुसा देना है। अब अगर आपको यहाँ पे कुछ भी चीज़ टाइट करनी है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी ये फिक्स है। आप पहली पहली बार जब करोगे तो ये फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे जैसे इस तरफ आप या फिर इस तरफ करोगे तो देखो ये टाइट हो रहा है, ठीक है। अगर आप इस तरफ करते हो तो ये लूज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ इसको अपनी बाइक के ऊपर, देखूंगा कि क्या कितना प्रेशर मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ, कितना प्रेशर मैं इस पर अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा मेरा अमेज़न बेसिक्स का डब्बा और उससे मैं अभी ये चार स्क्रू ओपन करूँगा। तो फाइनली ये मिल गया और मेरे हाथ पूरे गंदे हो गए उसके लिए। तो चलिए अब इसे लगा देते हैं। तो मेक श्योर कि यहाँ पे जो बॉल बना हुआ है वो यहाँ पे लगे, ठीक है। तो ये देखो ये लग गया, तो चलिए ओपन करते हैं अभी इसे। और यहाँ पे मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आर आर जो है आर से ये टाइट होता है और एल से लूज़ होता है और पी पे ये एक जगह कॉन्स्टेंट रहता है। तो आप अगर ये जान लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो जैसा कि आप सभी ने देखा, मैंने कितनी ही आसानी से अपने बाइक के टॉप बॉक्स के रैक को यहाँ पे इंस्टॉल किया इसकी मदद से। और गाइस, मैं आपको ये सभी को बताना चाहूँगा कि इसके प्राइस के हिसाब से ये प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, बट हर प्रोडक्ट की तरह ये भी परफेक्ट नहीं है, और कुछ ना कुछ कमियाँ इसमें भी हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके नुकसान क्या हैं, और वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या आपको इसे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। 599 में इतने सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं जो कि काफ़ी अच्छी डील है। इसका पहला नंबर प्रो ये है कि ये अपने एक बॉक्स के साथ आता है, और ये बॉक्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, और मैं सही बता रहा हूँ, इसको आपको कहीं भी रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कहीं भी इजीली फिट हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरे एक हाथ के बराबर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि ये कितना ज़्यादा छोटा है। उसके साथ साथ में यहाँ पे ये ज़्यादा मोटा भी नहीं है, तो आपको कहीं भी रखने में प्रॉब्लम एकदम नहीं होगी। तो अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे नंबर प्रो के बारे में। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, जब आप इतने कम दाम में ये सब टूल किट खरीदते हो तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आपको ये आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, बट आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली टाइट करते जाता है, आपको बस यहाँ पे हल्का सा प्रेशर लगाना पड़ता है और ये घूमता रहता है। तो ये जो चीज़ है ये इतने कम प्राइस में नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो ये चीज़ बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, और ख़राब होने के कारण जो है वो आपका पूरा जो सेट है वो ख़राब हो जाता है। तो ये इसमें नहीं है, अगर ये चीज़ ख़राब भी हो जाती है तब पर भी ये एक जगह स्टिल रहेगी, समझ रहे हो? मतलब आप इसको अगर पी, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है पी, मैं यहाँ पे अभी फोकस कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीच में पी लिखा हुआ है। तो सपोज आपका ये एल वाला जो यहाँ पे आपके नट बोल्ट्स को लूज करता है, वो अगर ख़राब हो गया और इसका जो गियर है वो काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे ऐसे ये नहीं हो पा रहा है, तब अगर आप इसको पी पे कर देते हो तो आप ये कहीं भी नहीं हिलेगा, ठीक है? ये एक नॉर्मल टाइटनर की तरह काम करेगा, तो आप उसको चाहे कहीं भी लगाओ ये सीधा उसको ऐसे टाइट कर देगा, तब आपको अपना प्रेशर लगाना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा। वही बात है गाइस कि अगर इसका गियर भी ख़राब हो गया तब पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत बार ऐसा नहीं होता है। तो ये हो गए इसके कुछ प्रोज, अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्स के बारे में कि इसकी क्या क्या कमियाँ हैं। तो सबसे बड़ी कमी इसकी ये है गाइस कि आप देख सकते हो कि ये कितना छोटा है, आप देख सकते हो ये कितना छोटा है। तो अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ तक ही आता है, मतलब पूरा नहीं, तो मेरे को प्रेशर जो है मैं अच्छी तरीके से लगा नहीं पाता हूँ, समझ रहे हो ना? आपने टाइट करते समय भी देखा होगा, मैंने एक हाथ यहाँ पे रखा था और एक हाथ मैं इसको ऐसे ऐसे कर रहा था, हालांकि ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को इसमें, पर फिर भी यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रेशर लगा नहीं पा रहा था। तो वही बात है, पर मेरा काम बहुत अच्छी तरीके से हो गया ये मैं कहूँगा, और मेरे को इतना उम्मीद नहीं था कि 500 रुपये की चीज़ में इतना अच्छा काम हो पाएगा। सो गाइस, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। उसके साथ साथ ही गाइस, आप मेरे चैनल टेक टू रिव्यू को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि आप सभी को मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।